अब देखिए इसका तीसरा सवाल आपका है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर उसकी समान भुजा, समान भुजा 8 सेमी है, यानी दो भुजाएं हैं 8 8 सेमी, द्वि का मतलब दो, और तीसरी भुजा, दो भुजा हो गई तो त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती है, तीसरी भुजा 4 सेमी, तीसरी भुजा, ठीक है। इसमें देखो सूत्र होता है, ये जो समान भुजा है उनको ए, जो असमान भुजा है या तीसरी भुजा है वो है बी, वो क्या है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बी बटा चार, बी बटा ये रूट 4a² 4a² माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस है बी की स्क्वायर। अब देखिए आप, अब देखो बी असमान भुजा को बी ले रहा है, किसको असमान, किसको असमान, यानी ये समान भुजा दे रखी है जिसका मतलब 2 8 8 है, तो वहां पर तो एक ही काम में आ रही है, समान भुजा को ए लेंगे, असमान भुजा को बी, असमान भुजा को, असमान भुजा या तीसरी भुजा कोई कुछ भी कह सकते हैं, बी की जगह लिखो 4/4, ये रूट 4 1 स्क्वायर है, ए कितने 8 8 का स्क्वायर माइनस बी, बी कितना 4 4 का स्क्वायर, ये तो 4/4 कट गया, एक ही आ गया बाहर, है एक लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं, 4 × 8 के ऊपर स्क्वायर है तो 8 को 8 से करेंगे, 8 × 8 = 64, ये किसका चिन्ह है माइनस, 4 को 4 से करेंगे 4 × 4 = 16, 4 × 64 6 × 4 = 24, सॉरी 4 × 16, 4 × 16 = 16, असल आइए 6 × 24 रह गए 25, माइनस कितने हो गए 256 में से कितने घटाएंगे 16, कितने आ गए 200। अब रूट के अंदर आइए तो अपने इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, मैं यहां टुकड़े कर लेता हूं, देखो 250 के 125, 5 का 2 लगाएंगे कितने आ गए 256 में से 16 घटाएंगे 240 आ गए, कितने आएंगे, आपने गलत कर दिया, ठीक है ना, 266 मान के चल गए तो 240। अब देखिए 240 का टुकड़ा करेंगे 120, 60, फिर कितने हो गए 30, फिर कितने हो गए 15, फिर 3 का 2 लगाया 5, 5 एकम, ये देखो 1 जोड़ा, ये जोड़ा जो बन गया उसको बाहर निकाल लो, ये 5 3 15, जोड़ा किसका बना है, 1 तो इसका बन गया, 2 का 1 जोड़ा और 1 इसमें से लो, 2 2 दूनी 4, रूट है 15, ये आ गया इसका क्षेत्र, क्षेत्र ठीक है, किसमें था ये सेमी में, तो आप लिख दोगे वर्ग सेमी, वर्ग सेमी।